सुल्तान फिल्म में सलमान खान पहलवान कैसे बने थे, कैसे अक्षय कुमार जंप कैसे लगाते हैं, मुंबई वाला डिस्को भांगड़ा होगा भाई, ये गंगा जी स्नान बना रहे हैं। तो देखो भाई, आज बढ़िया कलाकारी होगी ना, तो पहले आपका नंबर, तो पहले रानी मुखर्जी का नंबर आप आराम कर सकते हो। लो भाई, थोड़ा डिस्को भांगड़ा दिखा दो बम्बई वाला। कैसे बम्बई वाला डिस्को भांगड़ा होगा भाई, उछल कर नाचना जरा, उछल कर थोड़ा ठुमके मैं, और धीरे धीरे, अरे वाह कैसे। अच्छा भाई, इधर आओ जरा सामने। रानी मुखर्जी ने डांस दिखाया, मजा आया? मजा नहीं आया, ये गंजा घर का चुगलखोर है। हाँ, तो हमारी बात समझ में आ गई, थोड़ा पीछे हो जाओ, पांच उंगलियां उठा के जय हिंद दो नमस्कार, और देखो आपको चार हाथ पैर के जानवर, अपनी दो पैर वाली चाल दिखाओ, आजकल इंसान कैसे चलते हैं। हाँ, इंसान वाली चाल दिखाओ भाई, कैसे चला करते हैं इंसान दो पैर से। और ये बताओ, फिल्मों में अक्षय कुमार जंप कैसे लगाते हैं, किस तरह जंप लगाते हैं अक्षय कुमार, कैसे होशियारी से, चोट ना लग रहा फर्जी के। और देखो, जब हरिद्वार जाते हैं गंगा जी स्नान कैसे बनाते हैं, ये गंगा जी स्नान बना रहे हैं। ले लो भाई, बाजन बली ले लो, हरजी के होशियार होशियार है, नहा धो के तैयार हो गए। देखो, गई जवानी आ जाता है बुढ़ापा, कमर से चला नहीं जाता, दोनों हाथ किस तरह बन जाते हैं, कैसे चलते हैं बुढ़ापे में भाई। और मंदिर पहुंच गए तो सर कैसे झुकता है। अच्छा ये बातें छोड़ो, अब चार दफे इस रिंग में से निकल कर दिखाओ, अरे भाई साहब होशियारी से, खबरदारी से, चोट ना लग जाए। और ये बताओ कि सुल्तान फिल्म में सलमान खान पहलवान कैसे बने थे, कैसे पहलवानी की थी सुल्तान फिल्म में, भाई ये देख रहे हो पहलवानी करके दिखा रहे हैं, कैसे पहलवानी की थी, ऐसे पहलवान बने थे। तो यहीं बैठ के जय हिंद और नमस्कार, आपने खेल किसके लिए दिखाया, पेट के लिए। अच्छा साहब, अच्छा था खेल, बुरा था समाप्त हुआ है, तो खुश रहेंगे घर परिवार में, खुशियाँ खुशियाँ रहेंगी, आशीर्वाद रहेगा हर परेशानी से दूर, जय हो बजरंग बली की। तो भाई आज मैं ना आपको दिल्ली में दिखा रहा हूँ बंदर का खेल, जैसे हम बचपन में देखा करते थे, तो इनका पालन पोषण कैसे करते हैं आप? आपकी बात, केला सेब औलाद से ज्यादा खुश रखते हैं इनको। कितना खर्चा आ जाता महीने का? शाम को जी कम से कम 70 रुपया खर्चा है रोज का। रोज का? हाँ जी, आधी किलो दूध, आधी किलो आटे की रोटी, और साहब जी केला सेब संतरा। कहीं से मदद मिलती है? साहब जी आप जैसे करते हैं, हम जैसे दुगे ऐसे लोग चलते फिरते मदद करते हैं। बिल्कुल साहब, और चलिए ठीक है, मदद आप ही जैसे करते हैं। मान लो अगर किसी को अपने घर के आसपास बुलाने, कहाँ कहाँ पे घूमते हो आप वैसे? साहब जी इसी एरिया में घूमता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाता, यहीं यहीं घूमते हैं। हाँ जी, ये एरिया में मंगलवार लोग बुलाते हैं, दे देते हैं दान। कभी कभी ये ऐसे दिखे भैया, कोई भी भैया दिखे तो एक बार इनकी मदद जरूर करें, इनसे ये बंदरों का जो है आप देखेंगे पालन पोषण होता है। एक बार जय बजरंग बली बोल देना, कमेंट में लिख दे जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। भाई कभी भी ना आपको इस तरीके से दिखे तो इनकी केले दे के मदद या फिर पैसों से मदद करें, थोड़ा सा ना मतलब इस तरह की चीजों को ना आजकल ना लोग ज्यादा कर नहीं रहे हैं। मैं बेसिकली ये नहीं चाहता जानवरों को इस तरीके से बांध के रखा जाए, बट अगर जितनी जानवरों की मदद की जाए उतना आप लोग कर सकते हैं। इधर अभी भैया को पैसे दे सकते हैं इनके खर्चे के लिए, इन्हें खिला सकते हैं।